दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने विंडो 11 में फाइल या फोल्डर को, किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे भी टाइप की हो, उसको आप किस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आप गलती कर देते हैं हाइड करते वक्त, जो आप हाइड करते हैं उस टाइम क्या गलतियाँ कर देते हैं कि हाइड करने के बाद भी लोगों को वो चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल शॉर्टकट में और सिंपल वे में मैं बताऊँगा कैसे आपने करना है। तो जैसे मेरे पास ये दो फोल्डर एक फाइल है, ठीक है। इससे मैं पहले फोल्डर को हाइड करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपने इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपने ऑप्शन में जाना है। यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप नीचे देखेंगे यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप सिंपल सा हिडन के ऑप्शन में यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसमें से आपको ओके कर देना है। ओके करते ही देखेंगे कि आप ये फोल्डर गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फोल्डर हाइड हो गया। अब आपको इसको ढूंढना है भाई, अगर आपने ये करना कि अनहाइड करना है, ठीक है। अभी तो आपने हाइड कर दिया, पर देखना आपको कि ये कहाँ भी फोल्डर इसमें अगर जाए बाय द वे अनहाइड करना है, उसके लिए आपको किसी भी अपना ये माई कंप्यूटर खोल लेना है, दिस पीसी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और सबसे नीचे शो का ऑप्शन है। शो में क्लिक करेंगे तो आपको नीचे हिडन आइटम्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको हाइड किया हुआ आइटम तो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन एक गलती और है, मतलब जो लोग ज़्यादातर करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो इसको मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे, जैसे मैं बाहर जाता हूँ डेस्कटॉप में, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपने ये मेरा फोल्डर दिख गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको जैसे कि आपको अनहाइड अगर करना, सिंपल से वैसे ही इसमें आपने वही राइट क्लिक करना है सेलेक्ट करके और प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ से जो हाइडन का ऑप्शन आपने चेक करके रखा था, मतलब टिक करके, उसको अनटिक कर देना है इस तरह से। और जैसे आप ओके करेंगे तो ये यहाँ से अनहाइड होगा। लेकिन लेकिन एक चीज़ और, अगर आपने जो वहाँ पे ऑप्शन पहले चूज किया था, यहाँ पे आपने ये व्यू में जाके हिडन आइटम्स का, यहाँ से ये अभी भी देखेंगे आप, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो मतलब जो इसके अलावा आपने जो फाइलें हाइड करके रखी हैं, तो और इस फोल्डर को आपने जैसे ये टिक करके रखा है, तो जो आपकी पुरानी हाइड की हुई फाइलें वो भी आपको दिख रही होंगी अभी। तो इसलिए आपको ये ध्यान से अनहाइड करते वक्त यहाँ से आपको इसको भी हटा देना है, जिससे आपकी जो हाइड है पुरानी फाइलें वो किसी दूसरे को दिखे ना। कई बार क्या होता है, आप इसको यहाँ से अनचेक करना छोड़ देते हैं, जैसे ये हाइट वाला जो ऑप्शन था इसको चेक करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे इसमें ये टिक लगा होता है, तो जैसे ये वाला, ठीक है। अगर ऐसा करके आपने छोड़ दिया, तो दूसरे बंदों को या जो भी आपका कंप्यूटर देख रहा हो, उसमें हाइट की हुई फाइलें भी दिखने लग जाती हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ से इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देना है, जिससे आपकी जो भी फाइल हाइड है वो आपकी फाइलें दिखे ना किसी भी बंदे को, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइड अनहाइड दोनों कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में हमारी यूजर नेम है करण1521, आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।